मैं देवधर तहसील नहीं अपित रीवा जिले के समस्त नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक नेता बता दे किसी गरीब की अस्थि उठाने गया हो, किसी गरीब बच्चे को गोद लिया हो, जो कमांडो अरुण गौतम ने किया है वो ऐतिहासिक है और उसी का गला घोटने के लिए ये सारे नेता सारे अफसर मिलकर के वो और उसके ऊपर रास्ता लगाकर उसका गला दबाने का काम किया है। इसमें एक व्यक्ति एक समाज सेवी नहीं परेशान हो रहा है, उसका घर परेशान हो रहा है, जितने समाजसेवी हैं रीवा जिले के देवधर तहसील के सारे समाजसेवियों के गले में हड्डी अटक गई है कि किस तरह से अगर कानून व्यवस्था बनाई जाएगी, पुलिस के दम पर अगर राजनीति की जाएगी तो समाजसेवी कहाँ रह जाएंगे, किसकी शरण में जाएंगे। और कलेक्टर का यह कुकृत्य, मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ कि कलेक्टर का यह कुकृत्य है जो कमांडो अरुण गौतम के ऊपर रासुका लगाई गई। कोई भी एक व्यक्ति कह देते उधर तहसील नहीं या रीवा जिले में प्रमाण सहित उसके द्वारा कहीं भी लड़की छेड़खानी की गई हो, कहीं भी 452 जो लगी है धारा, कहीं भी डकैती किया गया हो, हाँ इतना जरूर कहूंगा कि निश्चित तौर पर अगर समाज सेवियों को परेशान किया जाएगा तो जो छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट पैदा हो रहे हैं वो पुलिस और नेता मिलकर के देवधर में नक्सलाइट पैदा करने का काम कर रहे हैं, उसमें कलेक्टर की भी मिली गलत।